आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा। नमस्कार, आप देख रहे हैं आशा एक भारत, और अभी तेजस्वी यादव नेता प्रतिपक्ष ज्ञानपुरा पहुंचे हुए हैं शहीद वीर शहीद चंदन यादव के घर पे। देखिए तस्वीरों में किस तरीके से हुजूम जो है वो यहाँ पे लगा हुआ है, लोग काफी भोजपुर के जो है राष्ट्रीय जनता दल के वो लोग आए हुए हैं। तो चलिए क्या कुछ कहते हैं तेजस्वी यादव ज्ञानपुरा पहुँच कर। शहीद वीर चंदन यादव जी को श्रद्धांजलि हमने दिया है, और उनके परिवार परिजनों के प्रति हमारा हमारे पिता आदरणीय लालू जी और पार्टी की तरफ से संवेदनाएं हमने प्रकट की है, और हमारा मानना है कि जो बहादुरी का काम चंदन यादव जी ने किया, हर एक युवा में एक जज्बा है, और देश के प्रति जो भावना होनी चाहिए राष्ट्रभक्ति भक्ति को लेकर के, वो जो है शहीद चंदन यादव जी के बहादुरी से हर एक नौजवान जो है इसको जानता है। हम लोगों का इनके परिवार को सलाम है। इनके परिवार से चार भाई थे, चारों भाई सेना में, चारों बहादुर हैं, और ऐसे बहादुर नौजवानों को कितना भी हम सम्मान करें वो कम होगा। हम भगवान से प्रार्थना करें कि चंदन यादव जी के आत्मा को शांति प्रदान हो। इनकी मांग है कोई अपने लिए नहीं, बल्कि एक प्रेरणा के लिए, नौजवानों की प्रेरणा के लिए, देशभक्ति को लेकर के, ताकि इनकी कुर्बानी जो है सब लोग याद रखें। जहाँ इनका अंतिम संस्कार हुआ जब जगह जो है बिहार सरकार का है, हम अपील करेंगे बिहार सरकार से, आग्रह करेंगे कि जनता दल अपने फंड से कर सके सरकार से, क्योंकि हमने पूछा कि और कहीं कराना, तो वहाँ भी हम लोग सक्षम हैं, कोई निजी ज़मीन पे हो या सड़क के किनारे हो, तो उसके लिए क्योंकि सरकारी ज़मीन है, ये लोग चाहते हैं कि वहीं हो, तो सरकार से हम लोगों को NOC मिल जाएगा, तो हम लोग जो है आगे की प्रक्रिया को पूरी करेंगे। लेकिन अभी आप देखते होंगे कि लगातार कई दिनों से चीन जो है आँख दिखा रहा है, और भोजपुर ऐसा इलाका है, यहाँ कई वीर बहादुर पैदा हुए और देश के लिए उन्होंने कुर्बानी देने का काम किया। इस मिट्टी को हम प्रणाम करते हैं, नमन करते हैं, और सरकार से एक अपील करेंगे कि कोई एक परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि जब भी हमारे वीर जब भी शहीद होते हैं तो उनके परिवार का ज़्यादातर मांग रहता है या तो सरकारी नौकरी हो एक परिवार में किसी व्यक्ति का, या तो स्मृति स्थल जो है वो बनाया जाए, या तो रोड का या पुल का नामकरण किया जाए। तो ऐसा कोई ना कोई परमानेंट सॉल्यूशन, और राशि भी तय नहीं, समय समय पर हमारे जवान जो है शहीद हुए, कभी किसी को 5 लाख, कभी किसी को 10 लाख, कभी किसी को 15 लाख, कभी किसी को 50 लाख, ऐसा नहीं होना चाहिए। जब राबड़ी देवी जी जब मुख्यमंत्री थी, जब कारगिल का युद्ध हुआ था, तो इसका पूरा खर्चा जो है सरकार देखता था, और ये नियम थी कि भाई परमानेंट जो है चीज़ें स्मृति स्मारक मूर्ति जो है वो बनाया जाए, और एक अमाउंट जो है सर्टन सबके लिए फिक्स था। तो हम लोगों का मांग है सरकार से कि इसका परमानेंट सॉल्यूशन निकाला जाए, ताकि मांग करने की ज़रूरत ना पड़े, ये सम्मान के प्रति एक श्रद्धा होनी चाहिए, उसलिए हम लोग दें, ताकि जितने भी हमारे जवान शहीद हो रहे हैं, जो कुर्बानी दिए हैं, उसको जो नई पीढ़ी जो है या भविष्य में सब लोग याद रखें कि फलना गाँव के भी, फलना जिला का भी बेटा ने देश के रक्षा में जो है अपना जान और बलिदान देने का काम किया,
उसको सब लोग जो है हम लोग सलाम करते रहे और याद करते रहे। सर एक सवाल है, सरकार बहुत घोषणाएं करती है लेकिन फिर शहीद के नाम पर कुछ हो नहीं। हम तो इसमें बोले कि इसका परमानेंट नियम कानून बनना चाहिए ना, घोषणा करने की और मांग करने की जरूरत ही ना पड़े। जब ऐसा हो तब ऑटोमेटिकली नियम कानून बन जाने से एक मैंडेटरी हो जाएगा कि भाई आपको एक अमाउंट जो है शहीद के परिवार को आर्थिक रूप से मदद पहुंचानी चाहिए और एक याद में स्मृति जो है मूर्ति का हो स्मृति वो कम से कम बनना चाहिए। ठीक, तो इसको लेकर के चाहे रोड का नामकरण करना हो या पुल पुलिया का नामकरण करना हो तो ऐसा नियम प्रावधान जो है सरकार जो है करे। और हम बार बार कहते हैं शहीद का दर्जा केवल आर्मी के लोगों को है, भारतीय सेना को है, लेकिन मिलिट्री के लोगों को नहीं है। सीआरपीएफ का जवान भी शहीद होता है, वो भी जो है हम लोगों की सुरक्षा के लिए, देश की सुरक्षा के लिए लड़ता है। अंदरूनी जो स्थिति होती है उसको निपटने के लिए, तो हमारा तो ये भी मांग था कि उन जितने भी मिलिट्री फोर्सेस हैं उसको भी शहीद का दर्जा मिलना चाहिए। सर अभी ऐसा एक भारत ज्ञान पूरा पहुंच चुका है, जिस तरीके से तस्वीर में आप देख रहे हैं नेता प्रतिपक्ष जो है और उनका काफिला जो है वो ज्ञान पूरा पहुंचा हुआ है। काफी सारी महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है, खासकर शहीद जो हो रहे हैं एक फिक्स्ड अमाउंट हो जो कि शहीदों को दिया जाए, जिस तरीके से शहीदों के लिए पैसा जो है कभी कुछ और कभी कुछ दिया जाता है, ये महत्वपूर्ण बातें उन्होंने कही है और अपील किया है कि ये पैसा शहीद वीर के लिए हर एक शहीद के लिए मिलना चाहिए और एक फिक्स अमाउंट में मिलना चाहिए। साथ ही परिजनों के द्वारा कई सारी मांगे रखी गई थी, साथ ही साथ परिजनों ने कहा था वो नेता प्रतिपक्ष को कि हमें चाहिए जहाँ पे खेल का मैदान है या जहाँ पे स्मारक यहाँ पे बनना चाहिए गाँव में ही, और साथ ही साथ कई सारी जो वादा किए गए हैं सरकार के द्वारा वो भी हमें प्राप्त करवाया नेता प्रतिपक्ष। आशा एक भारत के लिए, मैं रैना सिंह आरा ज्ञानपुरा से, ये खबर यही तक, इस खबर को ढेर सारा शेयर कीजिएगा। सहबाद का नंबर 1 चैनल बन चुका है डिजिटल प्लेटफॉर्म पे। आशा एक भारत ऐसे ही प्यार समर्थन बनाए रखने के लिए आप सभी का शुक्रिया। सहयोगी टुना कुमार के साथ मैं रैना सिंह, आरा ज्ञानपुरा, जगदीशपुर। बगल ही में अभी मजबूत रहे, मजबूत तभी रहेंगे सर जब सरकार हमारे साथ है, क्योंकि हमारे इसके लिए लड़ना पड़ता है। यहाँ बना दी मत करा मैडम, आप थोड़ा सा उससे डॉक्टर के आराम होगा आपका, आप उससे ठीक है। मैडम डिटेल लिखवा लीजिए, हवा में दीजिए बताओ, करवाइए। हमने बोल भैया मोबाइल नीचे कीजिए, तो नीचे आप नीचे।
सर जो कि यहाँ से ये भी बोले हैं कि हम उनके नाम से पूरे NH-30 से लेकर के उनके शहादत स्थल तक पेड़ लगाएंगे। लाइट भी बोल दिया सर कि हम लगा देंगे अपने तरफ से। देखिए मदद कीजिए, पूरा परिवार जो है सेना में। जी जी, हम तो उसी दिन से 3-3 बजे सुबह तक रात के काम कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं आप? ये फ्लाट बनाने में उसका तो राधे जी के अलावे थोड़ा सा जगह दीजिए मुझे आने के लिए, फिर वापस आइए। मोबाइल आपको नीचे कीजिए हल्का। अरे भाई आप उधर रहिए ना। भाई किसका मोबाइल है? आप अपना उपयोग कीजिए सबका। भाव भाई नेटवर्क नहीं है, आप लाइक आपका अपना आशा एक भारत को सब्सक्राइब करिए भैया, और साथ ही साथ बेल बटन दबाना ना भूले, क्योंकि बेल बटन दबाइएगा तभी तो खबर फटाफट पाइएगा।